प्यारे साथियों नमस्कार। आसाम राइफल का फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है और आज 21 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। फार्म भरने का लास्ट डेट है 19 नवंबर। 19 नवंबर तक फार्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। फार्म फीस है 200 रुपये और 100 रुपये। ये टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती है। बहुत से नौजवानों को डाउट था कि ये भर्ती फेक है क्योंकि इतनी कम वैकेंसियाँ नहीं आती और इसके अंदर कलर्क की, कुक की, वाशरमैन की बाकी कोई वैकेंसियाँ नहीं थी, लेकिन ये फेक नहीं है, हमने पूरा पता कर लिया है। और इसके देखिए 161 वैकेंसियाँ हैं, ये समझ के बहुत कम बंदे फार्म अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, आसाम नागालैंड में आपको फिजिकल रिटर्न के लिए जाना पड़ेगा, आपका जॉब लोकेशन भी वही है, दूर के कारण बहुत बंदे इसमें फार्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा, आप मेल हो फीमेल हो, हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, इसके ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं, फार्म अप्लाई कीजिए, भर्ती के बहुत चांस हैं। बहुत ये देखिए इसका नोटिफिकेशन है, डायरेक्ट ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल शिलोंग, आसाम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 की। ये 10 अक्टूबर को लेटर आउट किया इन्होंने और ये इसका मेमो नंबर भी है। इसका जो देखिए फार्म भरने का डेट है 19 नवंबर लास्ट डेट है फार्म भरने का, और फार्म भरे जाएंगे इसके 21 अक्टूबर से। 21 अक्टूबर यानी आज से इसके फार्म शुरू हैं और 19 नवंबर फार्म भरने का लास्ट डेट है। ये देखिए आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024, ये आसाम राइफल के टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती आई है। इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल फ्रॉम 18 दिसंबर यानी कि ये भर्ती शुरू हो जाएगी 18 दिसंबर से, आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। ये ग्रुप बी और सी पोस्ट की भर्ती है, ग्रुप सी और बी की है। 161 वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर, देखिए इसके अंदर पूरा बताया गया है। आसाम राइफल का ये वेबसाइट भी दिया है www.assamrifles.gov.in। इसको अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन अप्लाई होगा, और ये बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है। इसका फार्म फीस है 200 रुपये और 100 रुपये, दो तरह का इसका फार्म फीस है, ये अकाउंट नंबर भी दिया है, पूरा इसके अंदर पूरा डिटेल दे दिया है। इसके अंदर जो वैकेंसियाँ हैं, 200 रुपये फार्म फीस किसका लगेगा इसमें, यह लगेगा ग्रुप सी का, और ग्रुप बी का इसमें दिया गया है 100 रुपये। तो दोस्तों आप इसके फार्म अप्लाई कर सकते हो, ये फेक नहीं है। पहले कुछ लड़के बोल रहे थे कि फेक हो सकता है, हमको भी थोड़ा डाउट था। इसके अंदर देखिए पहले दिया गया है आपका फिजिकल होगा, इसके अंदर आपका होगा पहले फिजिकल, रनिंग वगैरह होगा, आपका माप तोल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जाम, और ये रिटन एग्जाम के अंदर जिसको बुलाएंगे उनका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट लगेगा। इससे पहले फाइनल लिस्ट नहीं है, ये मत सोचना कि ये फाइनल लिस्ट है। आप अपना सेंटर चूज कर सकते हो, चूज इसके अंदर सेंटर हैं, दीपू आसाम के अंदर है, और ये आसाम के अंदर काफ़ी है, नागालैंड में मेघालय के अंदर भी हैं, ठीक है, ये इसके सेंटर हैं, आप चुन सकते हो। देखिए 7 नंबर पे दिया है, ये इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा। इसमें कैंडिडेट के लिए देख लिए, ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन, एक बंदा एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है, ये नहीं है काफ़ी फार्म अप्लाई कर दो, नहीं। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मांगा गया है 10th पास और 12th पास। क्वालिफिकेशन है 18 साल से लेकर 23 साल तक इसके अंदर, एज के अंदर और भी है, ये जो कट ऑफ जाएगा ये है, इसका एज लिमिट है 1 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 तक। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ओबीसी एससी एसटी को इसमें छूट दिया जाएगा, एज के अंदर एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को दिया जाएगा 3 साल का। सर्विंग पर्सन आसाम के अंदर, ये पूरा डिटेल आप इसके अंदर पूरा समझ सकते हो। आपको कुछ नए समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बता दिया उसके बारे में मत पूछा करो। अभी आप कुछ पूछोगे सर इसका भर्ती कब से है, लास्ट डेट कब से है, तो फिर उसमें बता नहीं सकते हैं। अब ये देखिए हाइट वगैरह दिया गया है, ये मेल फीमेल कैंडिडेट की है, आप मेल हो फीमेल हो इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये मेल कैंडिडेट का दिया है इसके अंदर, ये दिया है मेल कैंडिडेट का। हाइट 170 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉर्मल चेस्ट है 80 सेंटीमीटर, फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अंदर जो गढ़वाली हैं, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा, उनके लिए हाइट में छूट दिया गया है, 165 सेंटीमीटर उनका हाइट है, और 78 से 83 छत्ती का नाप होगा। कश्मीरी, लेह लद्दाख पूरा दिया है इसके अंदर डिटेल। और इसके अंदर फीमेल का देखिए, ये मिनिमम ऑल कैंडिडेट बिलिंग द शेड्यूल
तिब्बतियों के लिए, जो तिब्बतियन है उनका हाइट कम होता है, उनका 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, छाती है उनका 76 से 81, ठीक है। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक का 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, छाती का नाप होना चाहिए 77 से 82, मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर। इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उनके लिए है ये। तो आप देखिए इसके अंदर, अब ये दिया गया है, इसके अंदर कैटेगरी जो है, दूसरा कैटेगरी है इसके अंदर, वो भी इसके अंदर दिया है, पूरा इसके अंदर दे दिया है। आप पूरा डिटेल आप समझ सकते हो, कोई भी वो नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं रखना। और वैकेंसी कम है इसलिए फार्म ना के बराबर भरे जा रहे हैं, हमारे पास अभी तक कोई फार्म भरने का वो नहीं आया है। इसके अंदर जो रनिंग है मेल कैंडिडेट का है 5 किलोमीटर 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फीमेल को दिया जाएगा 1600 मीटर का रनिंग है और 7 मिनट टाइम बताया इसके अंदर, ठीक है, कर लोगे, कोई वो नहीं, इतना नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, वैकेंसियाँ दिया है स्टेट वाइज वैकेंसी, इसके अंदर आपके स्टेज की देख लीजिए, स्टेट की कौन सी स्टेट आपका, ये वैकेंसियाँ दिया, वैकेंसियाँ बहुत कम है। लेकिन आप अपना दिल छोटा मत करना, अभी बहुत से बंदे बोले सर 10वीं पास की, इसमें 10वीं पास है उनको टेक्निकल ITI वगैरह मांगा गया है। अभी जो भर्ती आएगी, हो सकता है 18 दिसंबर से भर्ती शुरू है, उसके बाद ट्रेड्स, बहुत से नौजवान उदास हैं, मायूस हैं, डीमोटिवेट हो रखे हैं कि सर आसाम राइफल की तो 10वीं पास में भर्ती आएगी। देखिए अभी GD की, ट्रेड्समैन की ये भर्तियां नहीं आई हैं, ये भर्ती जैसी आएंगी 10वीं पास पे ही ये भर्ती आएंगी। ये भर्ती 18 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और 1-1.5 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। इसके ख़त्म होते ही पूरी पूरी उम्मीद है कि कलर्क की, कुक की, वाशरमैन की, जितने भी ट्रेड्स हैं उनकी वैकेंसियाँ आएंगी। तो आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, डीमोटिवेट मत होइए। अभी जो वैकेंसियाँ हैं ये 10वीं पास ITI मांगा गया है और 12th पास मांगा गया है, ग्रेजुएशन का भी, रिलीजन टीचर वगैरह है। तो दोस्तों आप अपना इंतज़ार करते रहिए, भर्ती की तैयारी करते रहिए। मैं मानता हूँ आसाम राइफल के अंदर 10वीं पास ही मांगा जाता है, लेकिन ये टेक्निकल की भर्ती आ गई है, ट्रेड्स की भर्ती आई है, इसलिए इसके अंदर क्वालिफिकेशन अलग से रख दिया गया है। तो 10वीं पास की भर्ती भी बहुत जल्दी आएगी आसाम राइफल की। ये भर्ती भी ऑल इंडिया लेवल पे है, आप ये मत सोचना कि ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है। आप मेल हो, फीमेल हो, हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।